2 मिनट में सफेद बालों को काला करने का आसान और प्राकृतिक नुस्खा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इनके सफेद बाल हैं, अभी आपको देखते ही देखते जो है इनके बाल जो ये सफेद हो चुके हैं, पूरा सिर देखे, यहाँ पर इनके जो बाल है पूरे जो है वाइट हो चुके हैं। आपके देखते ही देखते जो मैं अभी आपको इन बालों को काला करके दिखाऊंगी और कैसे आपने इस पेस्ट को बनाना है, कैसे आपने इस तरीके को बनाना है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और अभी जो मैं आपको इस तरीके को लगा कर दिखाने जा रही हूँ कि कैसे आपने इसको लगाना है, तो हमने जो है अभी यहाँ पर इसको लगा दिया है। और कैसे जो यहाँ पर अभी मैंने आपको सफ़ेद बाल दिखाए थे, कैसे ये उनको अभी काला करेगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अभी जो हमने यहाँ पर है इस पेस्ट को लगा दिया है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कितने ज़्यादा सफ़ेद बाल हैं इनके ऊपर जो है। ये बालों को काला करने के लिए बहुत ही अच्छा और प्राकृतिक आसान सा नुस्खा है, जिसको आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और बिल्कुल आसानी से, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक नुस्खा है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आपको जो है ऐसे इसको बालों में लगा लेना है। और अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका भी बताऊंगी कि कैसे आपने जो है इस तरीके को बनाना है, किस तरह से आपने इसका यूज़ करना है, जिससे जो है ये तरीका जो है आपके बालों को जो है काला करेगा, और किस तरह से आपने इसको बनाना है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे जो है आपने इसको यूज़ करना है। अब मैं आपको जो है इसका बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। तो आपको जो सबसे पहले क्या लेना है, यहाँ पर इस पेस्ट को जो है आपने पहले अच्छे से अप्लाई कर लेना है अपने सफ़ेद बालों पर, जिससे जो आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो काले हो जाएंगे। तो आपको अब क्या करना है, ये जो है हमने जो है इस पेस्ट को अभी यहाँ पर लगा दिया है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या लेना है, थोड़ा सा लेना है आपने सरसों का तेल, जितना आप बनाना चाहते हैं आपने उस क्वांटिटी के हिसाब से जो है आपने सरसों का तेल लेना है। सबसे पहले आपने लोहे की कढ़ाई लेनी है, लोहे की कढ़ाई बहुत अच्छी होती है इस पेस्ट को, इस तरीके को बनाने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कलौंजी तो सबके घर में होती है, तो कलौंजी आपने लेनी है 1 से 2 चम्मच डालनी है। और यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कलौंजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, हमारे बालों को घना करने में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, और अगर बाल पतले आपके हो गए हैं तो उनको ये सही करने में मदद करती है। और 1 से 2 चम्मच आपने इसके अंदर डालने हैं मेथी दाना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारे पास है यहाँ पर हेना मेहंदी, आप जो हाथों पर मेहंदी लगती है वो वाली मेहंदी आप लीजिए और इसमें डालिए, 1 से 2 चम्मच आपने इसके अंदर डालने हैं, और इसको जो है आपने अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी जो इसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो बालों को काला करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे मैं घुमा रही हूँ वैसे वैसे जो है इसका कलर चेंज होता जा रहा है। तो आपको जो है आँखों के सामने ये जो तरीका है बनते हुए देख रहे हैं, और कैसे इसको अभी जो मैंने आपको ये तरीका लगाकर दिखाया है, आप जो है खुद जो है आप रिज़ल्ट देख पाएंगे कि कैसे जो इनके सफ़ेद बाल थे वो काले हो गए हैं। तो अब जो है इसका स्टार अभी मैं आपको उतार के भी दिखाऊंगी कि कैसे जो इनके सफ़ेद बाल थे वो काले हुए हैं, और ये पेस्ट कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो आखिरी जो आपने इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालना है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो है यहाँ पर आंवला पाउडर, या फिर आप सूखा आंवला भी डाल सकते हैं, वो आपने डालना है इसके अंदर 2 चम्मच के करीब। और उसके बाद जो है आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, यहाँ पर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और लो फ्लेम या फिर मीडियम फ्लेम पर आपको इसे चलाना है, आपको इसे 5 से 10 मिनट के लिए चलाना है। और आप जब इसे चलाएंगे तो आप खुद देखेंगे जो इसका कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है, और आप जो तेल है, जो ये तेल है कैसे जो बनकर अभी तैयार होएगा, उसके बाद आपने कैसे इसको करना है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट हमने डाले थे उन्होंने जो अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया है, और अभी मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि जो हमने यहाँ पर ये पेस्ट लगाया हुआ है कैसे जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कैसे आपके बालों को ये काला करेगा। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर तक इसे चलाते रहना है, उसके बाद क्या करना है आपने गैस की फ्लेम को जो आपने बंद कर देना है, उसके बाद आपको इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा जो ये पेस्ट है यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा, या फिर ऐसा तेल है यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, किसी कपड़े की सहायता की मदद से किसी छलनी, आपने एक छलनी लेनी है और एक बर्तन लेना है यहाँ पर, और आपको क्या करना है, जो हमने ये तेल यहाँ पर बनाया है किसी कपड़े की मदद से जो है आपने इसके अंदर डाल देना है, यहाँ पर आसानी से जो है आप इसको डाल लीजिए, ठंडा होने दीजिए। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बहुत ही जो है ये अपना काम कर रहा है यहाँ पर, तो आपने जो है इसको यहाँ पर ठंडा होने देना है,
उसके बाद जो है आपने इसको ऐसे छान लेना है, तो ये काले रंग का ऐसे एक पेस्ट बनकर यहाँ काले रंग का ऐसा तेल बन जाएगा। और अभी मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि कैसे जो ये तेल है आपके बालों को काला करेगा। तो यहाँ पर जो ये तेल है बनकर बिल्कुल तैयार है, आप इसे 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल ये तेल यहाँ पर काला बन चुका है। अब मैं आपको इसे उतार के दिखाऊंगी कि कैसे आप इसे उतारें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनके सफ़ेद बाल थे वो जो है काले हो चुके हैं। 2 मिनट में ही जो इनके सफ़ेद बाल थे वो काले हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आपको क्या करना है, इसके बाद जो है आपको साफ पानी से अपने जो है सिर को धो लेना है, और आप इसे 2 से 3 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।